तापसी पन्नू स्टारर थप्पड़ ने बीते शुक्रवार को ही सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म की कमाई को लेकर ट्रेंड एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि पहले दिन इसका कारोबार कुछ खास नहीं रहने वाला है। दरअसल हाल ही में तापसी सीए का विरोध करती नजर आई और इस वाक्य के बाद कई लोग तापसी की अपकमिंग फिल्म थप्पड़ को बायकॉट करते दिखाई दिए। ऐसे में माने जाना लगा था कि इस वजह के चलते कहीं ना कहीं तापसी पन्नू की इस फिल्म को कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। अर्ली एस्टिमेट्स के आंकड़ों की बात की जाए तो माना जा रहा है कि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की ये फिल्म पहले दिन 3 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। फिल्म के आंकड़े सामने आ चुके हैं और तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की जानकारी दी। तरण आदर्श ने ट्वीट किया कि थप्पड़ के मॉर्निंग शोज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन दिन में फिल्म ने अच्छी रफ्तार पकड़ी। दिल्ली एनसीआर में फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। फिल्म ने शुक्रवार को 3 करोड़ 7 लाख का बिजनेस किया। इसी के साथ ही अनुमान लगाया है कि दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेसी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड की इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़।